आज फैसला हुआ है। आज कम से कम ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सारे कानूनों को ताक पर रख कर और व्यक्तिगत फायदे के लिए अपने बच्चों को विधायक बनाने और अपने परिवार के लोगों को ऐसे खड़ने के लिए आगे। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई है और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर तीनों को सीधे जेल भेज दिया गया। जेल जाते वक्त आजम खान ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सर, आपको ज्यादा कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है, क्या कहें इससे ज्यादा, ये भी मालूम था कितनी सजा होनी है कल से मालूम था। बात ही कह रहा है, चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा, अभी आज पता चला। इससे पहले बुधवार को ही कोर्ट ने इस मामले में तीनों को दोषी करार दिया था। सभा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अरे यार बैठने तो दो यार। फैसले के बाद शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। आज कम से कम ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सारे कानूनों को ताक पर रख कर और व्यक्तिगत फायदे के लिए अपने बच्चों को विधायक बनाने और अपने परिवार के लोगों को ऐसे खड़ा करने के लिए आगे। क्या आप इसे बड़ी जीत मानते हैं? बिल्कुल, ये शुरुआत है, अभी लंबी लड़ाई है और आज का जो फैसला है ये अपने आप में वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है। रामपुर का प्रोसिक्यूशन, हमारे डबल जी साहब भी आज लखनऊ से आए हुए हैं और ये एक कानून की जीत है। अगर 7 साल की सजा हुई है तो जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे उसी तरह की सजा है? बिल्कुल, देखिए जो प्रावधान है उस हिसाब से इस कोर्ट का जो मिशन का जो क्षेत्राधिकार जो इस कोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो 7 साल का ही है, इसलिए मैक्सिमम सजा होगी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ये मामला 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि चुनाव के फॉर्म में जो जन्मतिथि बताई गई है वो गलत है। ग्लोबल टुडे ब्यूरो रामपुर। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।